जय जय देवी चराचर सारे कुचज गसो वित मुक्ता हारे बीना रंजित पुस्तक हस्ते भगवती भारती देवी नमस्ते। डियर स्टूडेंट्स, अपने दिनचर्या प्रारंभ करने से पहले सरस्वती माँ के श्री चरण में हमें नमन करना चाहिए। आज संसार में जो ज्ञान का प्रकाश है ये सरस्वती का ही रूप है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको शुद्ध निर्मल पवित्र ज्ञान प्राप्त करना है तो सरस्वती देवी के चरण कमल में बैठकर प्रार्थना करना चाहिए। हे सरस्वती माँ, हमें उत्तम विवेक बुद्धि पवित्र ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपकी कृपा चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर 3 days वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट श्री कृष्णा जन्माष्टमी। तो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में भी हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं और प्रणाम करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरहे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये अति परिचित श्लोक है। भगवान कृष्ण को यहाँ कृष्ण रूप से हम बताते हैं। कृष्णाय गोविंदाय, जो कृष्ण है वही गोविंद है। वासुदेवाय, वासुदेव इसलिए कहते हैं क्योंकि कृष्णा वसुदेव का संतान है। तो वसुदेव का संतान होने के कारण हम वासुदेव के रूप में पूजा करते हैं। रहे परमात्मने, ऐसा तो लॉर्ड कृष्णा का अनंत नाम है, अगणित। इसमें से 4 नाम बहुत प्रिय है और तीसरा नाम कौन सा है? हरि, जो सब कुछ हरण करते हैं। तो इसीलिए हम ईश्वर के चरण में बैठकर प्रार्थना करना चाहिए। जो हमारे अंदर नकारात्मक ऊर्जा है वो हटा दीजिए। मन में जो कुविचार है, दुर्भावनाएं हैं, वो सब आप निष्कासित कर दीजिए। इसलिए हम हरि की उपासना करते हैं और परमात्मा, हर ही परमात्मा है, परमात्मा है भगवान श्री कृष्ण। सो जस्ट वी हैव टू ऑफर आवर रिस्पेक्टफुल ऑबिसेंसेस एट द लोटस फीट ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, दैट इज कृष्णा। कृष्णा जो सब कुछ सबको आकर्षित करते हैं, जो हमारे अंदर ताप है, जो डिप्रेशन है, जो टेंशन है, जो ट्रबल्स है, जो मिजरीज है, जो ओरीज है, इस सब से छुटकारा प्राप्त करना है तो भगवान कृष्ण के चरणों में हमें समर्पण करना चाहिए। 11th August द होल वर्ल्ड, पीपल ऑफ द होल वर्ल्ड, दे आर सेलिब्रेटिंग कृष्णा जन्माष्टमी। स्पेशली द पीपल ऑफ वृंदावन, दे सेलिब्रेट दिस डे विथ पंप एंड सो, बड़ी धूमधाम से ब्रजवासी लोग भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं। और इस दिन ब्रज में हर परिवार, इवन जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी व्रत रखते हैं। यहाँ व्रत रखने का अर्थ क्या है? न निरंतर भगवान कृष्ण स्मरण हो, इसीलिए हम व्रत रखते हैं। व्रत का मतलब है आनंद, अर्थात भगवान कृष्ण के नाम लेने से हमें आनंद प्राप्त होता है। और हम व्रत सब तो जैसे ही बताते हैं तब एक प्रश्न उत्पन्न होता है, अच्छा बताइए व्रत में हमें क्या क्या लेना चाहिए। ये प्रश्न अर्थ ही नहीं है, क्योंकि छोटे छोटे जो बालक है उनको कुछ ना कुछ तो प्राप्त करना है। परंतु शास्त्र में बताया था क्या क्या चीज ले सकते हैं। दधि, दुग्ध, घृत, मधु, गंगाजल, औषध और श्री गुरुजी आपको जैसे कहें, ये सभी चीज धारण करने से, प्राप्त करने से
आपका व्रत नष्ट नहीं होता है। ये सब चीज़ आपको ग्रहण करना चाहिए। और भगवान कन्हैया ने 20 रात में आविर्भाव हुए थे, तो इसीलिए वो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुभ मुहूर्त के समय हम अभिषेक करते हैं। और अभिषेक का विधान क्या है? जिसके पास कुछ भी नहीं है वो गंगा जल में तुलसी दल मिला दे और कृष्णाय नमः कहकर वो अपना स्नान कराएं। स्नान कराने के पश्चात शुद्ध वस्त्र, पवित्र वस्त्र परिधान पूर्वक पुष्प लेकर उनके चरण में अंजलि प्रदान करें। हे भगवान, हे कृष्ण, आप सब ताप से मुझे मुक्त कराइए, सब बुद्धि दो, सभी प्राणियों को कल्याण, इस प्रकार आप प्रार्थना निरंतर करते रहें। इसके पश्चात आरती की विधान है। दीप लेकर के आप भगवान कृष्ण के चरण कमल हृदय और चरण में आप दीप घुमाते रहिए। इस प्रकार से आप और आपके सामर्थ्य के अनुसार फल, मूल और मिष्टान आदि आप परिवेशन कर सकते हैं, भगवान कृष्ण को अर्पण कर सकते हैं। और जिसके पास सामर्थ्य है वो अपना एक पात्र में दधि, दुग्ध, घृत, मधु, गंगा, ये 5 वस्तुओं को मिलाकर उसे पंचामृत कहते हैं। और उसमें जरूर तुलसी दल आपको डालना चाहिए, क्योंकि अगर किसी वस्तु में आप तुलसी दल, तुलसी मंजरी, तुलसी पत्र ना रखें तो भगवान कृष्ण ग्रहण नहीं करते। तो तुलसी दल आप जरूर रखें और उसी पंचामृत से भगवान कृष्ण को अभिषेक करें। इस प्रकार से शुद्ध भावनाओं से और शुद्ध आहार से आप व्रत रख सकते हैं। और नेक्स्ट डे सुबह को समय भी निर्धारित है, सूर्योदय के पश्चात और 9:27 से पहले आपको अपना जो स्वाभाविक आप आहार है, जो भोजन करते हैं, आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं। इस प्रकार आप जन्माष्टमी घर घर पे मनाइए, ये मेरी विनम्र प्रार्थना है। आज इतना ही है और भगवान कृष्ण की कथा तो अनंत है। और आप जैसे छोटे छोटे बालकों के सामने कृष्ण जी की कथा और कृष्णाष्टमी की जो व्रत कथा